Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will start with the concept of compound entry. Compound entry अपने आप में समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है. अगर एक से ज़्यादा account debit हों, अब जैसे माना salary भी pay किया है, rent भी pay किया है, तो salary account debit, rent account debit to cash. अब तो आप general entry सीख चुके हैं, तो easily समझ सकते हैं. तो कहने का मतलब है जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हों या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हों, कई बार डिस्काउंट की एंट्रीज आ जाती हैं, तब हम मल्टीपल क्रेडिट्स या मल्टीपल डेबिट्स कर देते हैं, उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं. इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ लेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो जैसे इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सैलरी 12,000 है और टेलीफोन 4,000 है, दोनों एक साथ पे किए हैं, तो सैलरी डेबिट 12,000, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 4,000, कैश 16,000. तो यानी कि दो एंट्रीज डेबिट करके एक साथ क्रेडिट कर दिया. टैली में भी ऐसा हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इलस्ट्रेशन 13 आपके असाइनमेंट्स में है. इस वीडियो में हम सिर्फ इलस्ट्रेशन 13 ही करेंगे, है ना. छोटी छोटी वीडियोस बन रही हैं ये, क्योंकि क्वेश्चंस छोटे हैं, लेकिन उसका पर्पस यही है कि आपको एक ही वीडियो में मैं एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करता चलूं, ताकि अगर आपको वो क्वेश्चन क्लियर है तो आप उस वीडियो को स्किप कर सकें. सो ना एम स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन 13. जनवरी 1 की ये एंट्री है. जनवरी 1, राइट. अब इसके अंदर मैं आपकी ट्रांजैक्शन लेके चल रहा हूं. Paid to Mohan in full settlement of his account of rupees 10,000. हमने मोहन को 10,000 रुपये देने थे, लेकिन दिए 9,200. Now, सबसे पहली बात, मोहन कौन है? मोहन जरूर हमारा सप्लायर रहा होगा, हमारी लायबिलिटी रही होगी. कितने की? 10,000 की. मोहन हमारा सप्लायर होगा, 10,000 उसकी लायबिलिटी थी, हमने उसको पे किया 9,200. जब हमने उसको पेड रुपीज़ 9,200 है और वो फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमको डिस्काउंट मिला. डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? रुपीज़ 800. तो एक तरह से सबसे पहले मैंने जो हमारा क्वेश्चन है उसकी जो ट्रांजेक्शन दी है, पहले उस ट्रांजेक्शन को समझा कि मोहन को फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट का क्या मतलब है. 10,000 देने थे, मैंने कहा यार 9,200 ले ले, वो भी मान गया उस बात को, तो 800 रुपये का एक तरह से उसने हमें डिस्काउंट दे दिया. नाउ ट्रांजैक्शन होगी पूरी. अब हमने ये देखना है कि इसमें दो नहीं, आमतौर पर दो आस्पेक्ट होते थे, इसमें दो नहीं तीन आस्पेक्ट आए हैं. सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, इसमें जो हमारा आस्पेक्ट नंबर 1 है वो है मोहन. सबसे पहले जो हमारा आस्पेक्ट नंबर 1 है वो है मोहन. अब मोहन हमारी लायबिलिटी थी जो कि रिड्यूस हो गई. जब मैंने पैसे दिए हैं तो लायबिलिटी रिड्यूस हुई ना, तो इसको मैं क्या करूंगा? डेबिट. दूसरी बात, कैश गया है. कैश गया जब पे किया है, तो ये भी रिड्यूस हुआ. इससे कैश हमारी एसेट है, अगर ये रिड्यूस हो तो हम इसको करते हैं क्रेडिट. अब जो मुख्य डिस्कशन है इस पॉइंट में, इस ट्रांजैक्शन में, वो है डिस्काउंट रिसीव्ड. देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह से आपकी इनडायरेक्ट इनकम है. डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. इनकम को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, ठीक है ना. तो उस हिसाब से इस तरह से ये जनरल एंट्री हमारी उठ के आ रही है कि जो हमारा सप्लायर था, अब 10,000 रुपये मैंने उसके कर देने हैं ख़त्म. बात आ रही समझ में? क्योंकि अब उसने हमें डिस्काउंट दिया है या जो भी है, फाइनली अब मेरे को उसकी एंट्री करनी है ख़त्म. तो मैंने किया मोहन, इसको मैंने किया डेबिट, और इसको डेबिट कर दिया मैंने पूरे अमाउंट से कि भाई तेरे पैसे हो गए पूरे. अब टू, मैं इसको करूँगा कैश अकाउंट, क्योंकि एक तरह से 9,200 जो मैंने उसको कैश दिया, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि उसको हम क्रेडिट करेंगे. और जो हमने कंपाउंड एंट्री इसी तरह से होती है, अब हमारे को जो डिस्काउंट मिला है, क्योंकि वो हमारी एक तरह से इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं. सो डिस्काउंट रिसीव्ड को भी मैंने यहाँ पे लिया 800 रुपीज, राइट. नरेशन हम लिख ही सकते हैं, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट. नरेशन में आप देखते हैं मोरलेस, अब जो जनरल एंट्री की ट्रांजेक्शन होती है उसी को ही लिखते हैं मोरलेस. एक तरह से वो डिटेल उसमें आ जाती है लिख के कि क्या हुआ.
ठीक है, आई होप दिस एंट्री इज क्लियर. अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो ट्रांजैक्शन हमारे को दी गई है जनवरी 5 की, इसमें हमने राम से पैसा रिसीव किया 12,000 और 100 रुपया उसको डिस्काउंट अलाउ किया. राम से पैसा मिला है 12,000 और 100 रुपया डिस्काउंट रिसीव किया. सबसे पहली बात, राम कौन है? जब पैसा मिला है तो वो ज़रूर हमारा कस्टमर होगा, हमारा डेटर होगा, हमारी एसेट है, ठीक है, जो कि रिड्यूस हुई. जब उसने पैसा दिया है तो अब रिड्यूस हो गई, और जब एसेट रिड्यूस होगी तो मैंने क्या करना है, उसको हाथ के हाथ में लिख लूँ इस बात को भी, ताकि मुझे बार बार इसको ना करना पड़े. मैंने करना है इसको क्रेडिट. राम मेरा कस्टमर है, उससे मुझे 12,000 मिले, वो मेरा डेटर है, ये मेरी एसेट है. पैसा मिलने से एसेट रिड्यूस हो गई, डेटर वाली एसेट, तो मैंने इसको कर दिया क्रेडिट. जहाँ तक डिस्काउंट का सवाल है, इस बार मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये एक तरह से मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट. तो 100 रुपया मैं डेबिट करूँगा. अच्छा, और पैसा आया है, रिसीव्ड है, तो कैश, कैश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी एसेट है जो कि इंक्रीज हुई, तो इसको भी मैं करूँगा डेबिट. तो कुल मिला के कैश अकाउंट मेरा डेबिट होगा 12,000 से जितना आया, डिस्काउंट अलाउड भी मेरा डेबिट होगा 100 रुपये से जो कि मेरा खर्चा है, और राम जो कि मेरा कस्टमर था अब मैं उसको रिड्यूस करूँगा 12,100 से, 12,100 से. ध्यान से समझने वाला है ये, 12,000 तो उससे मिले और 100 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, तो टोटल उसका अकाउंट रिड्यूस होगा 12,100 से. टोटल रिडक्शन इन अकाउंट ऑफ राम इज ₹12,100. ये बात समझने की है, 12,000 तो मिले, 100 रुपये डिस्काउंट दिया, तो कुल मिला के उसका 12,100 रुपया हमने अपने खाते में नोट करना है. ठीक है, अब इसी बात को करने के लिए हम करेंगे, एक तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ जैसा अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जितना आया मैंने उतने से उसको डेबिट किया 12,000. एक मेरा डिस्काउंट अलाउड जो कि खर्चा है, इसको मैंने डेबिट किया 100 रुपया, और राम को जैसे मैंने भी डिस्कस किया मुझे क्रेडिट करना होगा 12,100 से. ऊपर देखिएगा, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि राम जो है वो मेरा कस्टमर है, डेटर है, मेरी एसेट है, और रिड्यूस हो गया क्योंकि उससे पैसा मिला मुझे, तो टू दैट एक्सटेंट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. ठीक है जी, चलिए अब हम लेंगे हमारी नेक्स्ट एंट्री. This is my question number 13, and now I will take up the entry of January 9. January 9 की entry बहुत simple है, salary, rent and wages, तीन तरह के खर्चे दिए हुए हैं. बस यही समझाने के लिए ये entry ज़्यादा दी गई है कि भाई हम compound entry कैसे डालते हैं. एक ही डेट में तीनों अपने खर्चे एक साथ किए हैं, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, तो मैं इसकी सीधा ही general entry पास कर रहा हूँ. Salary account debit, ये आपने debit किया 6,000 से. देन फिर रेंट अकाउंट, ये मैंने किया डेबिट 3,000 से. देन वेजेस अकाउंट, वेजेस होता है जो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनको जो पैसा दिया जाता है. सैलरी आमतौर पे जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उनके लिए वो टर्म यूज़ होता है, और वेजेस जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनके लिए 2,000. तो टोटल 6,000 प्लस 3 प्लस 2 11,000 मेरा कैश चला गया. तो टू कैश अकाउंट, इतने से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया 11,000. ठीक है, सो देर इज नथिंग टेक्निकल इन दिस. तो ये एंट्री आई होप आपने अगर खुद ये क्वेश्चन ट्राई किया है तो करेक्ट ही आपने की होगी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. लास्ट एक एंट्री है जनवरी 10 की, इसको लेते हैं. इसमें क्या है, हमने 30,000 रुपये की परचेजेस की है, परचेज गुड्स ऑफ 30,000, बहुत अच्छी बात है. आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ ₹22,000 वर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामलाल, 22,000 से रामलाल का हमने उधार लिया. खैर, एक बात पक्की है कि परचेजेस मेरी डेबिट होगी 30,000 से, है ना. अभी मैं जनरल एंट्री नहीं लिख रहा, मैं एक जनरल बात नोट कर रहा हूँ. मैं 30,000 का सामान खरीदा, 22,000 का हमने क्रेडिट पे लिया है, तो इसका मतलब मेरी कैश परचेजेस जो है वो हो गई 8,000 की. जब 30,000 की टोटल परचेज है, 22,000 की रामलाल से क्रेडिट है, तो इसका मतलब 8,000 कैश हो गया बाय डिफॉल्ट.
और जहाँ तक रामलाल है, अब वो कौन है इस क्वेश्चन में? मेरा सप्लायर, जिससे मैं सामान लाया, यानी कि वो मेरा है क्रेडिटर, यानी कि ये है मेरी एक लायबिलिटी जिसको मुझे करना होगा क्रेडिट, नहीं? और कैश परचेजेस में कैश मेरा गया है तो ये भी होगा क्रेडिट, है ना? चलिए, अब इस आधार पर अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, परचेज अकाउंट जो कि मेरा खर्चा है ये मेरा डेबिट होगा 30,000 से, क्योंकि मैंने टोटल 30,000 का सामान खरीदा, जिसके लिए मैंने एक तो कैश दिया है, तो मैं अपने कैश अकाउंट को कर रहा हूँ क्रेडिट। कैश मेरी एसेट रिड्यूस हुई है 8,000 से, और रामलाल जो कि लायबिलिटी मेरी खड़ी हो गई है क्रेडिटर एक सप्लायर के रूप में, उनसे मैंने उधार लिया है 22,000 का सामान, तो उनको भी मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। और इसमें बस मेन बात जो थी वो यही है कि कंपाउंड एंट्रीज में हम मल्टीपल डेबिट्स या मल्टीपल क्रेडिट्स करते हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चन करते जाइए, धैर्य के साथ आप जनरल एंट्रीज करें, जल्दीबाजी ना करें, और बहुत जल्दी अब ये चैप्टर फिनिशिंग की स्टेज पर है, और उसके बाद फिर हम ओरिजिनल मतलब सॉफ्टवेयर वाला जो टैली है उस पर काम करेंगे, और यही जनरल एंट्रीज उसमें आपके काम आएंगी। उस वक्त उतनी डिटेल में धीरे धीरे समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने बिजनेस अकाउंटिंग को एक अलग से बुक बना के आपको करवाया है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, धैर्य के साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप जनरल एंट्रीज करें, ठीक है? थैंक यू।